बुधवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आईआईटी मद्रास और राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान से आए विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को भूकंप के संदर्भ में सचेत किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम शरणजीत कौर ने बताया कि कार्यशाला के दौरान दो सेशन रखे गए हैं, जिसके पहले सेशन में लगभग 1500 बच्चों ने भाग लिया और इसका दूसरा सेशन सरकारी कर्मचारियों और आम आदमी के लिए होगा। देखिए, ये प्रोफेसर हमारे पास आए हैं, आईआईटी चेन्नई से आए हैं और एक प्रोफेसर नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से आए हैं। ये बच्चों को सेंसिटाइज ही कर रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। ये प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं, बच्चों की नॉलेज के लिए है कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, उसकी पूरी जानकारी ये दे रहे हैं। 1600 के बीच बच्चे आए हैं स्कूलों और वेरियस कॉलेजेस से, और शाम को एक प्रोग्राम है 2 से 4 बजे तक, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और पब्लिक आम सिटीजन्स और पॉलिटिकल पीपल, वो लोग आएंगे, उनको भी अवेयरनेस के लिए ये हमने प्रोग्राम रखा है। वही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पंचकुला से शोधकर्ता अर्शिता ने बताया कि 13 फरवरी को एनडीएमए की ओर से पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ और शिमला में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस प्रोग्राम में हम स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं अर्थक्वेक के लिए, और अभी 13 फरवरी को हमारे यहाँ पे एक मेगा मॉक ड्रिल होने वाला है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है दिल्ली में, वो लोग अरेंज कर रहे हैं 4 जगह पर, शिमला, पंचकुला, मोहाली एंड चंडीगढ़। तो उसमें से पंचकुला में हमने 15 साइट्स ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पर हम मेगा मॉक ड्रिल करने वाले हैं। उसके लिए हम कुछ स्कूल्स को भी सिलेक्ट किया है, 15 में से कुछ साइट्स हमारी स्कूल की हैं, तो उसके लिए हमने उन स्कूल्स को तो बुलाया ही है, बाकी स्कूल्स को भी बुलाया है ताकि उन्हें पता चले और कॉलेजेस को भी कि अर्थक्वेक में उनको किस तरीके से होता क्या है, कैसे अर्थक्वेक होता है और उनको किस तरीके से अपने आप को बचाव करना है और अपनी फैमिली का भी बचाव करना है। 13 फरवरी को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एनडीएमए ने पंचकुला में 15 साइट्स चुनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।